जो नमाज में करना जायज़ है लेकिन जिसको नहीं करते हैं लोग, या जिसको गलत समझते हैं, जो गलत है वो सही बन गया और जो सही है वो गलत बन गया, ठीक, उसको समझते हैं, उनमें आज के दौर में कहूँगा सबसे पहले जो काम नमाज में, कि नमाज को सही करने के लिए जो भी अमाल होते हैं वो नमाज का हिस्सा है और उसमें कोई मसला नहीं। जिसमें सबसे पहले आज जो मसला होता है नमाज में, सबसे बड़ा खलल है मोबाइल बजना हमारा, आ गया हो बज गया, पहले तो बंद करना चाहिए। अब बज गया तो क्या करेंगे आप मालूम आपको, आप उसे निकालेंगे और बंद करके फिर रख देंगे, ये बिल्कुल जायज अमल है क्योंकि नमाज के दुरुस्तगी में, समझ रहे हैं आप, निकालेंगे बंद कर, मैं इस हद तक कह रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को देखा गया निकालते हैं, ठीक, और मैंने खास तौर से जो है लोगों को देखा जो है गल्फ खलीजी ममालिक में नमाज में निकालते हैं और कट नहीं करते, सलाह रिसीव करके सलाह पता नमाज में, ये नहीं कर सकते आप कट कर सकते हैं और फिर रख लीजिए। अब कट करने में, कट करना भी और बंद करना दोनों जो भी हो सकता है आपने किया, और आपको सबको आइडिया होता है अपने मोबाइल फ़ोन बंद कैसा होता, निकाला और डाल दिया, ये किया जा सकता है। पूरी लोगों की नमाज ख़राब करने से अच्छा ये अमल है। हाँ बस ये मसले का इल्म नहीं होता, ये मसले का इल्म नहीं। अब होता क्या है, नमाज में गरीबी टोपी बराबर उठा के पहनता हूँ लेकिन मोबाइल नहीं कट करता, नहीं नहीं गलत अमल, फिर गरीबी टोपी उठाना कहाँ से साबित है, कई बार गिर रही, हर बार उठते वक्त पहन रहा हूँ, फिर छोड़ दे रहा उसको भी, जब आप मोबाइल को नहीं बंद कर सकते टोपी भी नहीं उठाना चाहिए फिर। तो क्या होता है, हमको इल्म नहीं मसले का, और लोग बोलते भी नहीं, जैसा मोबाइल बज गया तो क्या मस्जिद का इमाम बोल नहीं सकता उठ कर कि देखिए मोबाइल अगर बज जाए तो निकाल कर बंद करना दुरुस्त है, आप लोग बंद कर लिया कीजिए, तो कितने लोगों को इल्म हो जाएगा ना, नहीं ये तो नहीं बोलेंगे। हाँ ये बराबर बोलेंगे, नमाज से पहले अपने मोबाइल फ़ोन बंद कर लीजिए, ये कहाँ इकामत के अंदर शामिल है मोबाइल फ़ोन कर लीजिए बंद कर लीजिए बोलने, जो इल्मी मसला ये है कि बाद में या पहले बोल दिया जाए, मोबाइल बज भी जाए तो बंद कर लीजिए, नमाज से पहले वैसे एहतियातन बंद कर लेना चाहिए, इंसान है लेकिन गफलत होगी, उसको लगा बंद किया लेकिन उसने बंद नहीं किया था, किसी का लेके आया घर में कोई बीमार है, किसी ने कहा हैंडसेट रखो भाई तुम्हारे पास बीमार है तुम्हारे घर में कॉल की जरूरत, उसको इस्तेमाल करना आता नहीं बेचारे को, बज गया तो एटलीस्ट ये तो मालूम हो कट कर सकता है, तो ये करना चाहिए नमाज में, इसलिए कि इससे इंशाल्लाह नमाज में कोई फ़र्क नहीं आता। ठीक, इसी तरह जो है नमाज में बातचीत करना, ठीक, वो बातचीत जो नमाज की दुरुस्तगी का हिस्सा जायज़ है, लुकमा देना, लुकमा देना, सुभान अल्लाह कहना गलती होने पर, ठीक, या ऐसी हरकत की औरतें आवाज़ करें कि इमाम समझ जाए कि उससे कुछ ना कुछ गलती हो रही है, ये तमाम चीज़ें नमाज के अंदर भी याद रखिए जायज़ है, इसमें कोई मसला नहीं। ठीक, इसी तरह कोई मामूली सा काम ऐसा करना जैसा कपड़ों को सीधा कर लेना, मामूली सा बकसरत कपड़ों को समेटना मना है, ये तो मामूली सा काम जो ज़रूरी भी है कपड़े के ताल्लुक से वो करने में कोई हर्ज नहीं, ये सब कर सकते हैं सर, एक बटन से दूसरा बटन मिल गया जब आप उठे पूरा शर्ट ही उड़ जा रहा है ऊपर, होता है ना कभी तो खाली आपने मामूली सा खींच लिया उसको नीचे, ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि आपने छोटा शर्ट पहन गया पूरा टाइम खींच रहे, वो मैंने बस तफसीलात ले ली, मामूली सी कोई हरकत आप कर सकते हैं जो नमाज को सही करने के लिए। इसी तरह खांसी का आ जाना जो कि उसके बगैर चारा नहीं होता इंसान को, छींक का आ जाना जो कि उसके बगैर चारा नहीं होता है, इसी तरह जमाई का आना और उसको आपका रोकना, इसलिए कि आपसे हदीस फरमाया जमाई को रोको उसे लेना नहीं चाहिए, ठीक ये करना, लेकिन खांसी आने पर ठीक है आप कोशिश करें कि उसको रोके, लेकिन जो मजबूरियाँ हैं वो तो होंगे। छींक आने पर आप कोई अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहेंगे, नमाज में एक मरतबा एक साहबी ने छींक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पसंद नहीं किया और कहा नमाज अल्लाह का जिक्र है तुम अल्लाह से मशगूल होते हो तो ये ना कहो, क्योंकि वैसे तुम जिक्र कर रहे हो ना, फिर सुभान अल्हम्दुलिल्लाह बोलने की जरूरत ही नहीं थी नमाज की हालत, तो वो नहीं करेंगे। हमारे पास होता है कि नमाज की हालत में अगर छींक आ रही है तो उसको कैसे तो भी रोकता हो नमाज के थर कांपते, क्योंकि छींक मुश्किल होती है, और जमाई जो नहीं लेना है वो नमाजों में चालू है कंटिन्यू नमाजों में जमाई, जो लेना है उसको रोकता है, जो नहीं करना है वो शुरू है नमाज में। जमाई लेने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, इसलिए कि आपने फरमाया जब एक मोमिन आ करता है तो शैतान उस पर सुस्ती तारी करता है, उम्मत को सुस्त, लिहाजा फरमाया जमाई ना लिया करो और आ जाए तो मुंह पकड़ कर रोको उसको, मत नहीं लेना चाहिए उसको। तो छींक है, खांसी है, फितरी जो है खामोखा डकारे नहीं लेना चाहिए, फितरी तौर से आ गई एक अलग बात, उसको भी रोक सकते हैं आप, वो ऐसी चीज़ नहीं, इसे छींक मत रोके, छींक रोकने से बहुत सारे नुकसान होते हैं याद रखिए, लेकिन बाकी चीज़ों पर आप कंट्रोल कर सकते हैं चाहे तो, ये फितरी है। इसी तरह मजबूरन खुजली, इतनी मतलब किसी को बीमारी है, खारिश है या अचानक होती है कभी, तो थोड़ा बहुत कर लेना ठीक है, लेकिन कंटिन्यू अगर पूरी नमाज चलते रहेंगे दुरुस्त नहीं होगा, ठीक, तो ये भी बहरहाल जायज़। इसी तरह सब बंदी और सब दुरुस्त करने के लिए जो हलचल होती है सब भी जायज़। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी की रात है एक मरतबा तहज्जुद के लिए रात में वजू करके खड़े हुए,
अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ये भी आए थे का आप सब कैसे रात में इबादत करते देखने, छोटे थे लेकिन देखिए आपने वजू किया, खुद भी वजू किए, आप सबने रकात बांधी, खुद भी आए वजू करके और रकात बांधी और आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उल्टे हाथ पे खड़े होकर रकात बांध ली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि मुख्तदी सीधे हाथ पे खड़ा होगा इमाम के, अगर दो ही लोग हैं तो सीधे और उसी से पता चलेगा कि ये मुख्तदी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में उनको इस हाथ से पीछे से पहले इसी उल्टे हाथ से इधर धक्का दिया और फिर सीधे हाथ से पकड़ के बाजू ला के खड़ा कर दिया, समझा। तालीम दे रहे हैं कि सीधे हाथ की तरफ खड़ा रहेगा मुख्तदी, अगर दो है तो उल्टे हाथ की तरफ नहीं, तो आपने धक्का दिया और इधर से पकड़ के लाकर इधर खड़ा कर दिया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास उधर से इधर आए खड़े हुए और कहा अल्लाह के रसूल ने सूरह बकरा पढ़ ली, मैंने सोचा अब रुकू करेंगे, फिर सूरह आले इमरान पढ़ ली, फिर मैंने सोचा अब रुकू करेंगे, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह निसा शुरू कर दी तो मैं जाके फिर सो गया। छोटे बच्चे थे ना, इतनी देर इंतजार करते रहे, सूरह बकरा पढ़ ली तो खड़े, सूरह आले इमरान हो गए और सूरह निसा शुरू हो गई तो आप गए और जाके सो गए बिस्तर। फिर सुबह जब फजर का वक्त हुआ अल्लाह के रसूल ने उठाया और कहा मेरे चेहरे पर थोड़ा सा थपथपा और कहा ऐसा नहीं करना चाहिए, एक तो रात में उठे फिर नमाज के लिए खड़े हुए फिर जाके सो भी, मतलब पढ़ना चाहिए थे जब तुम आए थे अपने घर से, मेरे घर आप समझे घर रुके थे आके, छोटे थे बच्चे थे रुके थे और फिर नमाज भी नहीं पढ़ी, तो बहरहाल तो आए खड़े हुए। तो देखिए यहाँ आप समझे नमाज में कैसा दुरुस्त किया, इमाम थे आप तो पता चला जायज़ चीज़ों को इमाम नमाज में कर सकता है। इसमें और भी चीज़ें शामिल होती है, जैसा कि हमारे माइक का वो गिर गया नेचर जो भूं शुरू होता उसका, फिर के कमज़ोर दिल वाला तो पता नहीं उसके उसके पल्सेस बढ़ जाते होंगे, हार्ट बीट्स उसके तेज़ हो जाते होंगे, है ना। तो माइक को उठा लिया, माइक को थोड़ा सा बहुत करा थोड़ा नीचे कर लिया, क्योंकि बहुत पूरी मस्जिद के सौ लोग तकलीफ़ उठाते हैं, हज़ारों लोग जुमे की नमाज होते है ना, थोड़ा कर सकते हैं ये सब चीज़ें थोड़ा सा। इसी तरह रकात तो बांध ली और फिर देखा सामने मूजी चीज़ें चूंटियाँ हैं, अगर सजदा करूँगा तो काट सकती है, तो थोड़ा सा इमाम को ढाल गया बाजू, चूंटियाँ है ना काट सकती है ना इतनी बहुत, तो ये चीज़ें। या फिर नमाज को खड़े हो गए और गिलाजत थी, रात में बिल्ली आ गई मस्जिद के अंदर गिलाजत करके चलेगी, देखा नहीं फजर में इमाम आया खड़ा हुआ, खड़े होने के बाद दिख रही गलत तो सरक जाए, ये जायज़ हरकत है, ये जायज़ है। मुख्तदी गलत खड़ा था आप सबने उसको इधर से निकाला, जायज़ है। इसी तरह नमाज के लिए दो लोग खड़े हैं, इमाम खड़ा है मुख्तदी बाजू आके खड़ा है, चूँकि दो ही लोग नमाज में तो सब बनना ज़रूरी है, तो सब दोनों क्यों। अब मुसल्ली आया एक और, अब उसको खड़ा होना था, वो बाजू नहीं खड़ा होगा अब, ठीक वो क्या करेंगे मालूम, इमाम को पीछे से धक वो करेंगे तो इमाम थोड़ा आगे सरक जाएगा, मतलब आप पीछे सफ हो गई हो इमाम आगे सरक गया, अगर आगे जगह है तो बेस्ट ये है कि अगर दो लोग खड़े हैं, दो लोग खड़े हैं तो इमाम अपने मुसल्ले से बिल्कुल पीछे वहीं खड़ा हो उसके पीछे वाली सफ में और मुख्तदी बाजू, जैसे कोई मुख्तदी आएगा उसको धक्का देंगे इमाम अपने मुसल्ले पर चले जाएंगे, मुख्तदी पीछे सफ बना लेंगे, समझ रहे हो। लेकिन इसका भी इल्म नहीं होता, बस ये जायज़ हरकतें हैं, ये जायज़ आगे पीछे होना ये नहीं करते हम, और जहाँ जो नहीं करना है वो करे, टोपी उठा के रख रहे, मैंने देखा टोपी गिर के रोल होते हुए दूर गई तो नमाज में पूरा आगे जाके भी लेके आते उसको अपने पास, जो कि नहीं करना है, और जो करना है सफ़ों में सब बंदी के अदब में नहीं, नहीं, नहीं थोड़ी हो सकता, एक इमाम और एक मुख्तदी है तो इमाम आगे खड़ा और मुख्तदी पीछे खड़ा, ये थोड़ी नमाज होंगी, चूँकि सफ़ ही नहीं बनी, सफ़ कहाँ बनी। ये मसले का इल्म होना चाहिए, ये बहुत अहम चीज़ है, याद रखिए। एक मरतबा मेरा एक कस्बे से जाना हुआ, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक घराना अहले इल्म था, इल्म रखता था, बहुत छोटा दिन कस्बा, मुझे नहीं मालूम था उसी दिन से तारुफ हुआ। फजर में गया तो एक दो आदमी नमाज पढ़ रहे फजर की, और जल्दी नमाज थी और रास्ते पे मस्जिद थी वो, तो जब मैं वहाँ गया वजू करके जाकर बाजू खड़ा हो चुकी, अब मैं डरा हुआ था कि अगर मैं धक्का दूंगा तो एक नया मसला, इमाम को धक्का देने हमारे बोलते एक नया मसला, उन्होंने रिस्क नहीं लेना, मैं खामोशी से आकर दो खड़े थे तीसरा खड़ा हो गया, हमारे दो और भी साथी थे बोले हमारा नहीं अभी खड़े हो जाओ, ये गांवों की मस्जिद है बहुत झगड़े हो जाते, छोटी छोटी चीज़ों पर झगड़े हो जाते हैं। जैसे ही मैं बाजू खड़ा हुआ इमाम इल्म रखने वाला था वो आगे बढ़ गया खुद ब खुद, वो आगे बढ़ के चले गए मुसल्ले, चूँकि वो एग्जैक्टली अपने मुसल्ले से इमामत के पीछे खड़े थे, एक आदमी बाजू जैसे ही मैं खड़ा हुआ वो आगे चले गए और फिर हमारे बाजू वाले खड़े हुए सब बन गए एक पीछे, उनको इल्म था उस मसले का, बाद में वो देखने लगे अरे बोले आपने मुझे वो नहीं किया, मैंने कहा हमको पहले डर लगा हुआ था, ठीक है कि आपको धक्का देते रहे कि मैं बाजू वाला शुरू हो जाता हमको सवाब की नियत से कि इमाम को धक्का दे रहा, इमाम को हटा रहा नमाज में इतना बड़ा गुना, तो मतलब मैंने रिस्क लेना पसंद नहीं किया कि इमाम को हटाने का, वो भी हंसने लगे कहा नहीं नहीं सही किया आपने, बोले इल्म नहीं होता लोगों को, लेकिन इस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इल्म रखते हैं और हम लोग ऐसा अमल करते हैं, मैंने कहा बड़ी बात है लेकिन भाई हर जगह की हालत इस तरह से नहीं है, ठीक। तो ये आप ये हलचल जायज़ हलचल है आप कर सकते हैं, ठीक। इसी तरह इमाम खिरत भूल जाए गलती हो जाए तो आवाज़ देना, ये भी मैंने तफसीलात आप कर सकते हैं। इसी तरह नमाज में आपके आगे से कोई जा रहा है
तो आप उसको नमाज की हालत में रोक लेंगे, ठीक है, ये जायज़ अमल है। हमारे पास क्या होता है, देखिए एक एक केस तो ये होता है, नमाज में आप खड़े कोई चला गया, अब वो गया ना दिल में कुछ नहीं उसको, बस दिल में। दूसरा केस, दिखता नहीं गया, नमाज पढ़ रहा था मैं और चले गए मेरे सामने से, मतलब वो समझता नमाज टूट गई उसकी, तो वहीं शुरू झगड़ा। मैं एक मर्तबा, कुछ बड़े लोगों ने पीछे सब बना दी, दो सफ मस्जिद में आगे बनी, रमजान का महीना था, मगरिब की नमाज थी, मतलब ये दो पीछे कैसे खड़े हो गए लोग, बीच में दो सफे बीच में खाली है और रास्ता भी नहीं जाने का। तो मैं आगे गया और सफ में से गया, पूरा ऐसा सफ पूरा तोड़ते सबका, सफ के बीच में नमाजियों के सामने से, क्योंकि जब सफ आगे खाली होंगे पीछे नमाज मुख्तदी कोई खड़ा होगा और अगर मैं सफ पूरी करने आगे जाऊं तो मुझ पर गुनाह नहीं उनकी नमाज का, क्योंकि उन्होंने गलत खड़ा किया अपने आप को, चला गया। अब चला गया तो उसमें से क्या हो गया, एक ही होशियार था पूरे सफ में, बाकी सब तो खड़े थे, एक ने तोड़ दिया, टूट गए रे, टूट गई नमाज अपनी, बोल दूसरे दो नहीं तोड़ रहे, तोड़ो तोड़ो। और बाद में नमाज किया, क्या मौलाना समझता नहीं गया तू, हमारे सामने चले गए। मैंने कहा क्या जाहिल मौलाना तुम पीछे वैसे खड़े हो गए, मतलब मौलाना ज्यादा समझता ना, मौलाना बोल रहे ना, तो क्या जाहिल मौलाना तुम पीछे खड़े हो गए सब बना के। नहीं, बोले मेरे को जल्दी जाना था, मतलब अगर ऐसी सब जल्दी जाएंगे तो मस्जिद अंदर रहेंगी, सड़क पर नमाज पढ़ के निकल जाएंगे, जल्दी थी कहते उनको, तो पीछे सब बना ली उन्होंने। हो सकता दावत होंगी, रस ज्यादा होगा तो वो दावत में से इधर नमाज सफ नहीं मिलेंगी तो घर छोड़ के यहाँ ना बढ़ाऊंगा। आप लगा कि यार दस्तर तो जब भी बिछ जाता, सब मगरिब होते लोग पुलाड़ यार दस्तर बिछ जाता तो पीछे खड़े हो गए। तो मैंने कहा क्या जाहिल, तुमको इतना भी नहीं समझा कि तुम ऐसी सफ नहीं बना सकते, तो कुछ नहीं खामोश हो गया, चूंकि गलती उनकी थी और तोड़ा भी दिया उसने। तो दो होते हैं वहाँ पर, एक तो या तो दिल में कुड़ते हैं, दूसरा नमाज तोड़ देते हैं। आपको क्या करना है, जब कोई नमाजी के आगे से जाए, आप फरमाते हैं उस शख्स को वो रोक लेगा। हदीस के अल्फाज क्या है देखिए, सही बुखारी और सही मुस्लिम की, जब कोई सुतरे के तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहा हो, अब इमाम इमाम के आगे जो है वो उसका सुतरा हो जाता है, लेकिन अगर मैं अकेला पढ़ रहा हूँ तो मेरे आगे कोई चीज़ है तो वो मेरा सुतरा है, और कोई उसके आगे से गुजरना चाहे, मतलब वो सुतरे की लिमिट के अंदर से, सजदा गाह के अंदर से, तो आप फरमाते आगे से गुजरना चाहे तो इसे रोक दे, अगर वो रुकने से इनकार करे तो उस लड़े, हदीस के अल्फाज आपने फरमाया लड़ाई करे, इसलिए कि वो शैतान है जो नमाजी के सामने से जा रहा है। जायज लड़ाई है, कर सकते हैं आप, कि रोक ले, रोक देना है, ना रुके तो धक्का दे, ना रुके तो लड़ाई करे उससे कि मैं जाने नहीं दूंगा तुझे यहां से। लड़ाई मतलब आप नमाज में उसको धक्का दे सकते हैं, आप उसको मार सकते हैं कि यहां से नहीं जाने दूंगा, बाकी कहीं से भी जा। इसलिए आपने फरमाया अगर तुम में से किसी को मैं बता दूं नमाजी के सामने से जाने का गुनाह क्या है तो तुम 40 तक इंतजार करोगे। रावी कहते हैं मैं भूल गया आपने 40 दिन कहा या 40 साल कहा, मैं भूल गया, लेकिन हम 40 दिन और 40 साल को भी अगर छोड़ दें, 40 मिनट भी ले ले तो बहुत है, ये 40 मिनट रुके रहे इंसान कम से कम, समझे 40 तक रुके रहोगे। रावी कहते हैं भूल गया दिन बोला या साल बोले 40, मतलब नहीं जाना चाहिए और ये जायज़ है रोकना। एक मर्तबा एक सहाबी नमाज पढ़ रहे थे, दूसरे सहाबी का एक बच्चा सामने से गया, आपने उसको नमाज में ही मारा, रोका पर नहीं रुका तो उसको एक मारा, अब मारने से रोना शुरू कर दिया बच्चे, उसके बाद वो मिले और कहा कि तुमने मेरे बच्चे को नमाज में मारा, रो रहा था, तो कहा अल्लाह के रसूल ने कहा कि नमाज में रोको, ना रुके तो लड़ो, इसलिए मैंने उसको मारा। बच्चों को ऐसे नहीं मारना चाहिए, लेकिन हो सकता है बच्चा रोज़ ऐसी शरारत करता होगा, इसलिए सहाबी को पता है कि रोज़ करता है, तो उसको सज़ा देने के लिए आपने क्या, समझ रहे, बच्चा बड़ा हो चुका होगा, लेकिन वो क्या बच्चों को कहता ना कुछ, चलो नमाजियों के सामने भागेंगे, एक आध आदमी को नसीहत करना ही पड़ेंगे, तो शायद वो रोज़ करता होगा ना, उम्र में इतने बार छोटे बच्चे नमाज में सामने से गए तो कुछ नहीं होता, नमाज को याद रखिए, कोई मसला नहीं होता उससे नमाज में। ये बड़ों के लिए बात कही जा रही है, बड़ों से मुराद बालिग के लिए, बालिग इंसान 10 साल के बाद हो जाता है, 10 साल बाद, ठीक है, लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं नमाज में सामने जाते कुछ नहीं होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे, हद हसन हद हुसैन और उमामा आपकी जो नमासी थी ये नमाज में आ जाया करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा गया कि कभी कंधे पर बैठ जाते हैं, कभी गर्दन पर दोनों तरफ डाल के बैठ जाते हैं। एक रिवायत में आता है कि एक मरतबा एक सहाबी ने कहा कि हमने अल्लाह के रसूल के साथ सजदा किया, इतना लंबा सजदा अल्लाह के रसूल ने किया कि मैंने दिल में सोचा कि अल्लाह के रसूल की वफ़ात तो नहीं हो गई, और फिर मैंने सजदे में से सहाबी कहते सर उठाया तो सर उठा के देखा तो हसन और हुसैन दोनों कंधे पर बैठे हुए, अल्लाह के रसूल सजदे में हैं और दोनों नमाज़ से आके सर पर बैठ गए, आपके कंधे पर पैर डाल के,
एक आगे गर्दन पर एक पीछे गर्दन पर बैठा, लेकिन इतनी देर सजदा किया। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल ने दोनों को नीचे उतारा, उतार कर नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद वो साहबी कहते हैं कि एक साहब आकर थोड़ा देखने लगे, बच्चे दोनों घूरने लगे कि क्या तुम्हारे वजह से हमको लेट होते। तो आसलम ने दोनों को जो है एक मांडी पे एक को और दोनों को बिठाया और कहा ये सैयदैन हैं, ठीक, ये दोनों मास्टर है, ये दोनों बड़े हैं इस कौम के, और जो इनसे मोहब्बत करता है उनसे मैं मोहब्बत करता हूँ। तो साहबी खामोश बैठ के चले गए। फिर तो इससे क्या पता चला, बच्चे नमाज में सामने आने से कुछ नहीं होता, पीठ पे बैठ सकते हैं, होता है ना, बच्चे बैठ जाते। फिर आपने हदीस में ये भी कहा अल्फाज कि बच्चे घोड़े पर बैठना चाह रहे थे, मैंने सोचा थोड़ी देर बैठकर मजा ले ले, होता है ना, बच्चों को घोड़ा बन जाओ, चलो बैठ गए। तो हो सकता है अल्लाह के रसूल ऐसा करते होंगे घर में भी, अब जब नमाज में आए तो बैठ गए। तो कहा बच्चे घोड़े पर बैठना चाहते थे, मैंने सोचा थोड़ी देर इंतजार कर लो, बच्चे मजा ले ले, इस वजह से आपने सजदे को लंबा कर दिया। इसी तरह एक रिवायत में आता, फर्ज नमाज के लिए निकले, आपकी नवासी उमामा आपको छोड़ नहीं रही थी, आप उसको गोद में लेके नमाज के लिए, गोद में वो आप सुन के थी, आपने अल्लाह अकबर कहा, वो गोद में बैठी और आपने क़याम किया, उसके बाद आपने अल्लाह अकबर कहा, नमासी को बाजू रखा और रुकू किया, फिर आपने दोनों सजदे किए। जब आप सजदे से उठे तो फिर वो चिपक गया, तो आपने उसे गोद में लिया और खड़े होकर नमाज पढ़ी। ये जायज़ हरकत थी। ये बात किसके लिए लागू होगी मालूम, आज के दौर में माँ अकेली है घर में, बच्चों को अकेला आप छोड़ नहीं सकते, याद रखिए। आप नमाज के लिए खड़े होंगे, वो छुरी हाथ में ले लेंगे जाकर, वो डस्टबिन के अंदर कुछ कर देगा, भरी हुई पानी की टाकी है, बकेट है पानी की, उसमें मुंह डाल दिया, वॉशिंग मशीन चालू कर दिया जाकर, कुछ भी करते हैं बच्चे, तो माँ क्या करेंगी, चलो नमाज पढ़ने का आओ बड़ा, गोद में लिया, अल्लाह अकबर, बच्चा गोद में आपकी। बहुत सी औरतें बोलती हैं नमाज कैसा पढ़ना, बच्चा बहुत जिद्दी है, सुनता नहीं है ना, सुन्नत में तरीका, ये फर्ज नमाज आपने पढ़ाई। अब एक साहब एक दिन बोलने लगे, ये नमाज में जो है जो लोग बोलते हैं बुखारी पे अमल करना और इस पे अमल करना, इनको बुखार चढ़ा हुआ है बुखारी का बोले, और ऐसा है वैसा है, जाओ बोले बच्चों गोद में लेके नमाज पढ़ो बोले, जाओ। अल्लाह के रसूल पढ़ते थे, मैंने कहा ठीक है, जब बच्चे रहेंगे तो हम पढ़ेंगे ना गोद में लेके, हदीस ही सिखा रही ना उनको। जैसा कि मैं घर से बाहर निकला, मेरी बेबी अस्पताल में है, मेरा एक छोटा सा बच्चा मेरे साथ है, और नमाज का भी टाइम हो गया, अब क्या करूँ, नमाज छोड़ूँ या पढ़ूँ, तो मैं बच्चे को लेके पढ़ूंगा, जाके मस्जिद में जाऊँगा और लेके पढ़ूंगा गोद में उसको। अब है मेरे पास जवाब उसका, खामोखा नहीं, हदीस में क्या, रास्ते जाते थे बच्चों को उठा के नमाज में फिर लेके पढ़ते थे, जरूरत के तहत है, सिंपल। वही साहब एक दिन बयान देने लगे हसन और हुसैन की फजीलत में, कि कहा ये हसन और हुसैन आ जाते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ बैठते थे नमाज में, सामने जाते थे, आसन को लेके नमाज पढ़ते। मैंने कहा अब क्या हुआ, अब फजीलत बयान करने में हसन और हुसैन की, अब बराबर वो रिवायतों को बयान करते हो, यस, इससे तो मसाइल निकल रहे हैं। तो एक इंसान जो है नमाज में अगर बच्चे को लेना हो और उसकी वजह से कोई हरकत पड़े, जायज़ हरकत है। एक माँ है अकेली, बच्चा है घर में, एक बड़ा है एक छोटा है, दोनों लड़ सकते हैं आपस में, चलो बड़ा बाजू खड़े करो, चलो इधर से आओ, छोटे को आपने गोद में ले लिया, नमाज नहीं छूटेंगे, या फिर सामने बिठाइए, यहाँ से हल्ला नहीं, अगर आपको पता है बच्चा नहीं हलता तो ठीक। और बहुत सी औरतें पूछती हैं नमाज को खड़े हो गए, बच्चा पास से चला गया, अब रिस्क है, डर है, खाना बन रहा है, फला है, क्या करे, नमाज को तोड़ दे आप, इंसानी जान सबसे अव्वल है, याद रखिए, नमाज तोड़ दे, बच्चे को लाए और गोद में लेके पढ़े, फिर आपको पता है भाग जा रहा, रेंगना शुरू कर दिया, अकेली आप गोद में लेकर पढ़े, सुन्नत से साबित है ये चीज़, आप सुन की नमाज की एक बार जिद छोड़ नहीं रही थी, आपने गोद में लेकर पढ़ा, इस्लाम बहुत आसान है, याद रखिए, ये सख्त और मुश्किल दीन नहीं, ये ऐसा भी नहीं है कि आपके फ़राइज़ के लिए आपको जिंदगियों को दाव पे लगाना पड़े, कि आप ट्रेन में नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, बच्चा आप कहीं भी चल रहा है, आप ट्रेन नहीं, नमाज नहीं तोड़ सकता, बच्चा कहाँ गया, वो फिक्र भी लगी, तो नमाज थोड़ी हो रही आपकी, सानी जहन तो अपने बच्चों की हिफाजत में, सामान की हिफाजत में, सामान को सामने रख दिया, बच्चे को बीच में ला के बिठा दिया और फिर नमाज शुरू की, बच्चा भी सामने, सामान भी आराम से, इत्मीनान से नमाज पढ़ी, ये समझने की ज़रूरत है। तो ये जायज़ हरकतें हैं जो कर सकते हैं। तो आगे से गुजरने वाले क्या करना है, रोकना है। नमाज की हालत में मूजी चीज़ आ गई, नुकसानदेह चीज़, सांप, बिच्छू या कोई ऐसा कीड़ा काटा जो नुकसानदेह होता है, तो आपसे मैंने फरमाया और कहा, हदीस के अल्फाज हैं, आपने कहा कि इसे फौरन कत्ल कर दो, हदीस के अल्फाज इस तरह से सुनन तिर्मिज़ी की जो रिवायत है, आपने फरमाया नमाज में दो चीज़ें, सांप और बिच्छू आ जाए तो उसे कत्ल कर दो, क्योंकि ये ख़तरनाक है। आप नमाज में खड़े, आप बाद में भी अगर मारेंगे और कहीं छुप गए घर में जाके, तो कितने दिन तकलीफ होती है आदमी को, कहाँ चले गया, बच्चों की जान का डर, ये डर, फ़ौरन मार दो। आपने कहा नमाज में भी आप इनको मार सकते हैं, जैसे आप नमाज की हालत में कोई चीज़ बाजू लेके आपको लगता है कि शॉर्ट में ख़त्म हो जाएगा तो वो कर दीजिए, लेकिन सांप जाहिर सी बात है ऐसी चीज़ नहीं होती, बिच्छू हल्लू चलता है, तो जाहिर सी तो आपको नमाज तोड़ भी सकते हैं, नमाज तोड़ दीजिए, उसको ख़त्म कीजिए, आकर अपनी नमाज कंटिन्यू करें। ठीक, आप समझिए, हदीस से फरमाया आप नमाज पढ़ रहे थे और आपको बिच्छू ने आके काट लिया, आपने कहा अल्लाह बिच्छू पर अखरब, इस पर लानत करें, ये अम्बियाओं को भी नहीं बख्शते, और आपने इसको मार दिया। ठीक,
और फरमाया अगर कोई बिच्छू और सांप को नमाज में भी पाए तो क्या करे, खत्म कर दे, मार दे उसको। इसलिए कि ये इंसान, तो ऐसा मूजी चीज़ें हो सकती है, कुछ आ जाए, कोई और भी कीड़ा काटा जो हमारे इलाके में बहुत जहरीला होता है। सांप बिच्छू तो एकदम उमूमन जिसको कहेंगे दुनिया भर में फेमस है ये दोनों जानवर नुकसान के लिए। कुछ भी हो सकता है, कोई जहरीली मकड़ी आ जाए, हमारे पास नहीं होती, लेकिन बहुत सारे इलाकों में खलीज के या अमेरिका में इसमें बड़ी बड़ी जहरीली मकड़ियाँ होती हैं जो कि बिल्कुल सांप और बिच्छू के बराबर ही जहर रखती है और उतनी ही खतरनाक होती है जान के, तो वहाँ भी इंसान तोड़ सकता है। मतलब है मूजी चीज़ जो इंसानी जान को नुकसान उठ के उसको कत्ल कर सकते हैं। इसी तरह जो है अगर नमाज की हालत में कोई सलाम कहे तो इंसान हथेली से उसका जवाब भी दे सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा गया, सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत है, आप वो किसी ने सलाम किया और आपने उसको हथेली से जवाब दिया, ठीक। तो नमाज के अंदर कोई सलाम कर दे तो आप उसको हथेली से जवाब भी दे सकते हैं। और ये अमल बाद के दौर में सहाबा से भी मिलता है कि सहाबा इस तरह से कोई मस्जिद में सलाम करता तो उसको जवाब दिया करते सीधी हथेली को उठाकर नमाज की ही हालत में। ये बहरहाल जायज़ हरकतें हैं जो की जा सकती है, वो थी जो मना है और वो थी जो नमाज को बातिल करती है। तो आज तीन बातें हमने देखी, वो आमाल हरकत और सकनात जो नमाज में दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है, वो अमल जो बातिल करते हैं और वो अमल जिसको हम समझते हैं गलत है लेकिन वो जायज़ हैं, और वो तमाम बातें कुछ ना कुछ हद तक मैंने कोशिश की कि जमा करके रखूं। हो सकता है कुछ बातें चूकी हो तो सवाल जवाब के सेशन में आप उसको कंप्लीट जो है उसमें सवाल कर सकते हैं।